सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दलवीर सिंह और उनके साथ तशरीफ लाए हुए मौजूद मेहमान जनाब शाहिद शबीर साहब को स्कूल की तरफ से और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारा मान बताया। जेलम दे पुल नज़म का उनवान है। डॉक्टर अनवर मसूद साहब पंजाबी दे बहुत बड़े प्रचार करने वाले शायर ने, उन्हां दी शायरी जेलम दा इहदे पिछे एक तारीख है, इहदे पिछे एक तारीख है कि पुल छोटा हुंदा सी, पहले एक साइड दीआं गड्डियां गुजरदियां सन, फिर दूसरी साइड दीआं ज़्यादा टाइम बड़ा लग जांदा सी जी। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरे वल सारे भैन भाइयों नूं सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। लारी वाला अज कुछ देर खलोवे दा, सप्पां वाला बाबा तुसां सुणिया ते होवे दा। बच्चा बच्चा अज इस बाबे नूं सिआण दा, सुरमा मैं वेचना हाँ सारा जग जानदा, सुरमा मैं वेचना हाँ सारा जग जानदा। किधरे ना अज इस सुरमे दा जोड़े, सत वीआं बूटियां दा अर्क तेरे जोड़े। सौंप ते गुलाब विच खरल कीता होया है, भावे किड्डी सुजी होई आई होई अख होवे, लालियां ते चोबां दी सताई होई अख होवे। धुंद होवे जाला होवे भावे ऊण कुकरे, धुंद होवे जाला होवे भावे ऊण कुकरे, अखां विचों पानी वगे भावे अख रड़के। पीड़ मुक जांदी है, सोझ लह जांदी है, इको ही सलाई नाल ठंड पै जांदी है, इको ही सलाई नाल ठंड पै जांदी है। ते वीआं दी ना दसां दी ना पंजां वाली बात ते लारी दे मुसाफरां लई खास ही रहा ते। खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमनो, खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमनो, चार आने चार आने चार आने मोमनो। आगे पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है, पाए जड़ा सुरमा वो नाज कर सकता है, लोड़ हुए जिस आवाज कर सकता है, लोड़ हुए जिस। अच्छा जी, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਣੋ, ਚਾਰ ਆਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਣੋ। ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਵੇਚਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਵੇਚਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ, ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਡਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮਸੂਦ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਫੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਤੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ।